हेलो दोस्तों, आद्यास क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। टेंपल्स ऑफ पुणे इस सीरीज में हम आज पुणे के हड़पसर में स्थित रुद्रेश्वर शिव मंदिर के बारे में जानेंगे। ये मंदिर हड़पसर में स्थित अमानोरा मॉल के पीछे अमानोरा सिटी में स्थित है। 1990 के साल में मॉल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग होने से पहले यहाँ पे पूरा खेतीबाड़ी होती थी। एक बार खेत में काम करते वक्त खेत के मालिक को जमीन के अंदर से ये स्वयंभू शिवलिंग मिला। उसके बाद उन्होंने उधर ही एक छोटा सा मंदिर बांध लिया और रोज पूजा वगैरह करने लगे। धीरे धीरे मंदिर का डेवलपमेंट होता गया। अभी इस मंदिर का निर्माण एक पर्वत के अंदर का गुफा के आकार में बनाया गया है। ये एंट्रेंस है। मंदिर के आजू बाजू के खेतों के मालिकों ने अपना ज़मीन बेच दिया। उसके बाद उधर मॉल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन गए। लेकिन इस मंदिर के मालिक ने अपने खेत को नहीं बेचा और इस मंदिर का डेवलपमेंट किया। अभी हम गुफा में प्रवेश करेंगे। पूरा पथरीला गुफा के आकार में इसको बनाया गया है और बहुत अच्छे से लाइटिंग अरेंजमेंट भी किया है। ये नंदी जी, मंदिर के अंदर के पत्थरों पे ऐसा पेंटिंग किया गया है, लगता है पानी निकल रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पे यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। सीढ़ियों से हम नीचे उतर रहे हैं। अभी जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, बहुत ही सुकून मिलता है। ये गुफा के अंदर का भाग, बहुत बड़ा नाग का शिल्प भी है इधर। इधर एक बहुत ही सुंदर शिवजी की मूर्ति है। और ये है खेत में मिला स्वयंभू शिवलिंग। ओम नमः शिवाय। जितना देर आप गुफा में रहते हैं, उतनी देर आपको एक अलग ही अनुभूति होती है। इस मंदिर का लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में शेयर करती हूँ, एक बार ज़रूर भेज दीजिए।
गुफा से बाहर निकलने के बाद लेफ्ट साइड में शिवलिंग के दर्शन लेने के बाद नंदी जी के दोनों सिंगों के बीच में से शिव जी का दर्शन लेना चाहिए ऐसा बोलते हैं। ये देखिए ये मंदिर का बाहर का पूरा पर्वत की तरह किया गया है और उसके अंदर एक गुफा की तरह किया है। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।